हाय ब्यूटीफुल मॉमीज एंड हैंडसम डैडीज, वेलकम टू मॉम का अंश। मैं रिया आ गई हूँ आप सबके पास विद अ न्यू वीडियो। जब आपके छोटे बच्चे को चोट लगती है और आप उसका टेक केयर कैसे करें घर में, इमीडिएटली आपको हमेशा डॉक्टर के पास रश करना पॉसिबल नहीं होता है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें इस वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब आपका बच्चा कभी गिर जाता है, उसे चोट लगती है, उसे ब्लीडिंग होती है, उसको तकलीफ होती है, वो रोना स्टार्ट करता है, पहला चीज़ एज ए मॉम एंड डैड, एज ए पेरेंट, आप पहले काम डाउन हो जाइए। आप भी पैनिक करेंगे, बच्चा भी पैनिक करेगा, तो डेफिनेटली इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प आउट एनी वे। तो पहले हम क्या करेंगे, हम पहले खुद को शांत रखेंगे और हम देखेंगे बच्चे को कहाँ चोट लगी। पहला चीज़ तो ये है, आपके बच्चे को अगर माउथ में कहीं भी चोट लगती है, क्रॉलिंग के वक्त वो गिर जाता है, वॉकिंग के वक्त या रनिंग के वक्त वो गिर जाता है, होंठ कट जाती है, कभी तो उसको दांत से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, कभी उसके टंग बाइट हो जाते हैं, तो इस सिचुएशन में पहला बेसिक सा चीज़ हम सबके घर में होता है, वो है शुगर। थोड़ा सा शुगर इमीडिएटली उसके मुंह में डाल दें एंड पहले तो बच्चा शांत हो जाएगा बिकॉज ऑफ द टेस्ट, मीठा मीठा टेस्ट। एंड शुगर इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर ब्लड क्लॉट। माउथ के अंदर अगर कोई भी कट होती है, ब्लीडिंग होती है, तो आप उसको इमीडिएटली पहले शुगर दें, वो ब्लड स्टॉप हो जाएगी। उसके बाद आप चेक करें और कहीं चोट लगी है, क्या हुआ है, कितना डीप कट है, बेस्ड ऑन दैट यू कैन टेक योर डिसीजन। अगर लगता है कि डॉक्टर के पास लेके जाना ज़रूरी है तो डेफिनेटली आप लेके जाएं। अभी हम बात करेंगे बच्चे को अगर चोट लगती है, बेसिक सी चोट, लाइक अगर वो गिर गया बेड से या फिर चेयर से गिर गया और उसको अगर स्वेलिंग हो जाती है, हेड में लगती है, फोरहेड में लगती है, हाथ पैर में कहीं लगती है, स्वेलिंग आ जाती है, तो क्या करें। हमेशा अपने घर में आइस पैक रखा करें। जैसे मेरे घर में दो आइस पैक रखा हुआ है, क्योंकि एक अगर हम सब कोई रीज़न की वजह से निकालते हैं तो दूसरा हमेशा रहता है, ताकि रियांश को कभी भी ज़रूरत पड़े तो हम मिस आउट ना हो जाए इन सब चीज़ों से, इसलिए बैकअप के लिए मैंने दो रखा है। तो आप आइस पैक रखा करें, कभी भी चोट लगती है, बच्चा तो पैनिक करेगा, बच्चा रोएगा, तो आप उसको इमीडिएटली आइस पैक से उसको थोड़ा सा रिलीफ दें, इससे उसका स्वेलिंग भी कम हो जाती है। बच्चा नहीं लेना चाहेगा, लेकिन आपको कोशिश करना जितना देर हो सके उसको आइस पैक का हेल्प से उसको स्वेलिंग कम करते हैं और उसका पेन भी कम हो जाएगा। अगर कभी आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, से लाइक बच्चा गिर गया एंड उसको चोट लग गई, उसके कोई टॉयज़ बहुत ज़्यादा शार्प है या फिर टेबल का कॉर्नर बहुत शार्प है, एज है कुछ, आपका जो मॉड्यूलर किचन है वो बहुत शार्प है, उसका एजेस बहुत शार्प है, उससे कट हो गया एंड ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही है, पहले तो आप पैनिक मत करें। सेकेंड चीज़, आप उसको अपने क्लीन हाथ से जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है उसको 2-3 मिनट तक दबा के पकड़े रहें। ऑब्वियसली बच्चा रोएगा, बट इट्स ओके अगर आप थोड़ी देर तक उसको पकड़ के रहते हैं तो ब्लीडिंग क्लॉट हो जाती है। जो एरिया है वो थोड़ा सा दबा के पकड़ के रखना पड़ेगा एंड इससे वो जो क्लॉट हो जाती है, ब्लड क्लॉट जैसे ही होती है वैसे ही आप उसमें ऑइंटमेंट लगा के उसको आप छोड़ सकते हैं। एंड आपके पास अगर कोई होम्योपैथिक दवा है तो आप उसे दे सकते हैं, जिससे उसकी पेन रिलीफ हो सकती है। या अगर आपका बच्चा कभी चोट लगता है सिर पे एंड उसको वॉमिटिंग होती है, या फिर चोट लगने के इमीडिएट बाद वो रोते रोते वॉमिट करता है, प्यूक ऑफ कर देता है, दिस इज़ समथिंग टू वरी अबाउट। या फिर चोट लगने के बाद इमीडिएटली वो फेंट हो जाता है, दिस इज़ समथिंग टू वरी अबाउट। देन यू शुड नॉट वेट एट होम एंड यू शुड रश टू द डॉक्टर, बिकॉज कहा जाता है जब हमें सर पे चोट लगती है छोटे बच्चे को या किसी को भी सर पे चोट लगती है गिर जाने की वजह से एंड उसको वॉमिटिंग होती है, तो इट्स अ सीरियस इशू, यू शुड रश टू द डॉक्टर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मैं यूज़ करती हूँ मेरे घर में हमेशा हैंडी रहता है, वो है एक होम्योपैथिक दवा आती है, ऑइंटमेंट एंड उसका लिक्विड भी आता है एंड उसकी मीठी गोली भी आती है, तो आप उसे ज़रूर रखें, आर्निका प्लस। आर्निका प्लस एक ऐसा ऑइंटमेंट है जिसको आप घर पे रख सकते हैं एंड इट्स वेरी वेरी नाइस फॉर बेबीज़। अगर उसको कभी फोड़ा फुंसी ये सब भी आता है तो भी आप उस पर लगा सकते हैं, पेन रिलीफ कर देता है एंड कहीं भी चोट आता है, स्वेलिंग होता है, वहाँ भी आप लगा सकते हैं एंड उसका जो मीठा गोली है उसको खाने से भी उसकी पेन कम हो जाती है एंड उसके साथ एक ड्रॉप भी आता है, उसको चाहे तो आप 2-3 स्पून पानी के साथ 2 ड्रॉप डाल के वो भी आप बेबीज़ को खिला सकते हैं, उससे भी उनको पेन रिलीफ होती है। होप आपको ये वीडियो कहीं ना कहीं हेल्प हुआ एंड आपको अच्छा लगा मेरा वीडियो। गाइज, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।